90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स में आप बेलफास्ट पहुँच जाओगे और आपको भी पता चल जाएगा कि कितना के बॉर्डर चेक होते हैं जब आप डबलिन से बेलफास्ट जाते हो। वो जो साइन दिख रहा है ना आगे भाई, ये वाइट सा वेलकम टू नॉर्दर्न आयरलैंड, पीछे बेलफास्ट का टाइटैनिक म्यूजियम जो शॉपिंग मॉल है ना उसके एकदम टॉप लेवल पे है। वेलकम टू द न्यू व्लॉग, दिस इज रुवु। तो भाई आज के व्लॉग में जाने लगे हैं बेलफास्ट, वन डे ट्रिप है, अभी जाके सुबह जाके शाम को वापसी है, 1.5 घंटे की यहाँ से भाई जर्नी है। तो आपको दिखाएंगे बेलफास्ट की जर्नी, डबलिन टू बेलफास्ट की जर्नी कैसी होगी भाई। स्कूल खुलने वाले हैं अगले हफ्ते, तो इसके कारण कि अभी जा रहे हैं भाई स्कूल। स्कूल खुलने से एक और छोटा सा रोड ट्रिप हो जाएगा फैमिली के साथ, तो फिर चलते हैं सीधा गाड़ी में। तो भाई गाड़ी में सामान रख लिया छोटे का और चलते हैं सीधा अब अंदर। तो भाई बैठ चुके हैं गाड़ी में और सारे इकट्ठे हैं इस टाइम। डुगू, दिस इज योर पोकेमॉन कैप। व्हाई यू लव पोकेमॉन सो मच? पोकेमॉन तो यार बच्चों का ना। तो चलते हैं बेलफास्ट और घर से निकल चुके हैं यार, पूरे 1 आवर 30 मिनट्स लगेंगे डबलिन सिटी से, लगते हैं 2 घंटे, बट जहाँ पे हम हैं एयरपोर्ट के पास रहते हैं तो वहाँ से 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स में आप बेलफास्ट पहुँच जाओगे। होपफुली वेदर बढ़िया हो, है ना, बारिश ना हो। बारिश थोड़ा बहुत शो कर रहा है बट यहाँ पे तो नहीं है अभी बारिश, वहाँ पे भी ना हो, बट यह कि गर्मी है, 20 डिग्री के आसपास है टेम्परेचर। तो भाई आज का प्लान ये है कि एक तो आपको बेलफास्ट घुमाते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद आपको ये शो करते हैं कि जो अपना डबलिन है आयरलैंड में, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में, और जो बेलफास्ट है भाई वो नॉर्दर्न आयरलैंड में। नॉर्दर्न आयरलैंड यूके के अंडर है, मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में। तो देखते हैं कि बीच में बॉर्डर है कि नहीं, या फिर बॉर्डर चेक्स वगैरह होते हैं कि नहीं। आपके ग्रुप्स पे, फेसबुक ग्रुप्स पे काफ़ी कमेंट आते हैं कि यार मेरे पास वीज़ा नहीं है तो मैं क्या बेलफास्ट वगैरह जा सकता हूँ विदाउट वीज़ा, मेरे पास यूके का वीज़ा नहीं है, मीन्स आयरलैंड का वीज़ा तो है, यूके का वीज़ा नहीं है। तो देखते हैं, बॉर्डर चेक्स आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे क्या होगा क्या नहीं, और आपको भी पता चल जाएगा कि कितना के बॉर्डर चेक होते हैं जब आप डबलिन से बेलफास्ट जाते हो। और जो बेलफास्ट का भाई यहाँ से डिस्टेंस है किलोमीटर्स में, वो है 140-145 के आसपास फ्रॉम डबलिन एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट से आपको 140-145 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 1.5 घंटे में बंदा पहुँच जाता है बेलफास्ट। तो यार बेलफास्ट जाते वक्त आपके रास्ते में एक टोल आएगा, अगर आपके पास ई टैग है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो कारों के चार्ज होते हैं 2 यूरो 10 सेंट, 2 यूरो 10 सेंट लगता है कार के। तो भाई कुछ 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचने वाले हैं न्यूरी। काउंटी डबलिन को पास करा, काउंटी लाउथ को पास करा, अब आएगा न्यूरी जो है नॉर्दर्न आयरलैंड में यूके में। 1 घंटा लगता है आप यूके, आई मीन नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरलैंड के बॉर्डर पे पहुंच जाते हो जो डंडॉक के बाद आता है न्यूरी। तो भाई हम यूके की लैंड पे एंटर कर चुके हैं। ये आपको जो साइन दिख रहा है ना आगे भाई, ये वाइट सा वेलकम टू नॉर्दर्न आयरलैंड, ये वाला, यहाँ से भाई न्यूरी शुरू हो जाता है। मतलब आप यहाँ से कह सकते हो आप ऑफिशियली नॉर्दर्न आयरलैंड में हो, यूके में हो। यहाँ पे बॉर्डर चेक्स तो आपको जैसे दिखी गया है कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे नथिंग है। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में अपना दिखाया था ना कि जो यहाँ के सिटीजन है वो वहाँ काम कर सकते हैं, वहाँ के सिटीजन यहाँ काम कर सकते हैं अगर उनके पास दोनों कंट्रियों का पासपोर्ट है। तो कोई बॉर्डर चेक्स नहीं है भाई, बट आपके ग्रुप्स पे जो मैसेज वगैरह मैंने काफ़ी देखे हैं लोगों के कि मुझे वीज़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो रेकमेंडेड तो है कि वीज़ा लेके ही आओ यार, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता होता है कब कहाँ पे चेकिंग हो जाए। बट कोई चेक्स वगैरह, कोई बॉर्डर चेक्स वगैरह नहीं है अगर आप डबलिन से बेलफास्ट जा रहे हो, डबलिन से नॉर्दर्न आयरलैंड जा रहे हो। और जैसे आपके पेरेंट्स वगैरह इंडिया से आते हैं उनके वीज़ास पे इंडोर्स वगैरह लगी होती है BIVS की, तो वो यूके वगैरह नॉर्दर्न आयरलैंड वगैरह आ सकते हैं, जो आपके CTA है कॉमन ट्रैवल एरिया में वो घूम सकते हैं विदाउट वीज़ा, अगर उनके आयरिश वीज़ा पे लिखा हुआ है BIVS।
और यहाँ पे जो स्पीड है वो माइल्स में आती है, माइल्स पर आवर अपने वहाँ चलती है, किलोमीटर्स पर आवर यहाँ पे माइल्स हो जाते हैं शुरू। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्पीड लिमिट माइल्स में होगा ही ना। तो ये आ गया अपना टाउन न्यूरी का, यहाँ से न्यूरी आप ये वाला एग्जिट ले सकते हो न्यूरी जाने के लिए। न्यूरी में भी एक काफ़ी बड़ा शॉपिंग सेंटर है कीस करके, तो हम सीधा चलते हैं बेलफास्ट को। और यहाँ पे एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जो फ़ोन के नेटवर्क है ना भाई, आपके जो आयरिश सिम है यहाँ पे आके रोमिंग शुरू हो जाती है, यहाँ पे आपके आके नेटवर्क यूके वाले हो जाएंगे और नेटवर्क चेंज हो जाएंगे। मैं और मिकी तो यार बहुत बार आ चुके हैं, मिकी बेलफास्ट ट्रेन में आए और बाई रोड भी काफ़ी बार आए, जब अपने पास दूसरे पासपोर्ट होते थे तो काफ़ी बार आए। तो ये है कि चेक्स वगैरह नहीं होता यार ना यहाँ पे, जो वो ट्रीटी है ना जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, जो ट्रीटी है इनकी, वो ट्रीटी के कारण यहाँ पे कोई चेक्स नहीं होते हैं। ये भी एक कंट्री काउंट होती है जैसे, और अगर वो ट्रीटी ना होती बाय चांस, तब वहाँ पे जहाँ मैंने आपको दिखाई थी वो चीज़, वहाँ पे बॉर्डर चेक्स होते जैसे अदर यूरोपियन कंट्रीज में होते हैं। ये ओपन बॉर्डर है होते हैं, बट ये है कि जो अपने इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, जो अपने देसी बंदे हैं, वो यही रेकमेंड करूंगा कि वीज़ा लेके आओ, है ना, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता होता कहाँ चेकिंग हो जाए। कभी आप बोलते हैं ना यार टाइम का कुछ नहीं पता कि कहाँ पे कोई चीज़ ऐसी आपके पीछे गाड़ी लगा लें, पुलिस वाले क्या करें पता ही लगता। बट ये है कि हाँ वीज़ा ज़रूर लेके आओ, रेकमेंडेड है वीज़ा भाई, ऐसे ट्रैवल मत करना। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं बेलफास्ट नॉर्दर्न आयरलैंड। तो भाई हम आ चुके हैं बेलफास्ट और सीधा आए हैं टाइटैनिक म्यूजियम, आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हो। एक और चीज़ आपको दिखाता हूं कि इसके सामने ही भाई बेलफास्ट का हार्बर है, जो कहते हैं ना बेलफास्ट का पोर्ट है, जैसे अपने डब्लिन में है। यहाँ से भी फेरीज यूके वगैरह जाती हैं, स्कॉटलैंड वगैरह जाती हैं। अब चलते हैं टाइटैनिक म्यूजियम और आपको दिखाता हूँ कैसा है। इसके वहाँ जाने के लिए अंदर टिकट है, टिकट तो अपने पास नहीं है, बट आपको ऐसी दूर से बाहर से इसका दर्शन कराता है भाई कैसा बना ये टाइटैनिक म्यूजियम बेलफास्ट का। तो ये है भाई टाइटैनिक म्यूजियम बेलफास्ट का। तो भाई यहाँ से सामने से इसकी एंट्रेंस है। तो ये है जी भाई लोग मेरे पीछे बेलफास्ट का टाइटैनिक म्यूजियम। टिकट नहीं है, टिकट नेक्स्ट टाइम बुक करके आएंगे यार, थोड़ा हम लिमिटेड टाइम ही है, आपको पता है छोटे बच्चे के साथ ज़्यादा घुमा नहीं जाता है। बट इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। तो नेक्स्ट टाइम आके देखते हैं भाई कैसा है ये बेलफास्ट म्यूजियम। तो टाइटैनिक घूम के बार बार से घूम के अंदर तो गए नहीं, तब चलते हैं सीधा विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर, जो वन ऑफ द बिगेस्ट शॉपिंग सेंटर है बेलफास्ट का, काफ़ी बार गए हैं। गाड़ी पार्क करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते पीते हैं। मौसम थोड़ा यार ऐसे सही लग रहा है, बादल हैं, बट ये है मिकी क्या इंडोर मार्केट, जॉर्ज मार्केट, ये बंद है। अच्छा बंद है अभी तो, हाँ 8 से 2 बजे तक वो टाइम लिखा हुआ भाई ना, 8 से 2 इंडोर मार्केट है द जॉर्ज मार्केट। तो भाई ये जा रहे हैं हम विक्टोरिया स्क्वायर की पार्किंग में अंदर। तो यहाँ से भाई ऊपर चलते हैं लिफ्ट लेके, जो गैलरी है ना, गैलरी से अधिकतर व्यू पूरा बेलफास्ट का दिखता है आपको ना। तो ये है बेलफास्ट का विक्टोरिया शॉपिंग सेंटर। तो ये भाई हम ऊपर आ चुके हैं गैलरी में, विक्टोरिया गैलरी में लिफ्ट लेके भाई पूरा व्यू दिखता है यहाँ से ना, अधिकतर बेलफास्ट का, पूरे बेलफास्ट का तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, अधिकतर बेलफास्ट का। अगर आप बेलफास्ट आ रहे हो तो भाई यहाँ ज़रूर आना, ये विक्टोरिया जो शॉपिंग मॉल है ना उसके एकदम टॉप लेवल पे है, गैलरी बोलते हैं इसको। इधर लगे हुए बेलफास्ट आके मतलब शॉपिंग सेंटर आके, कितने टाइम बाद आप आए? 2 साल बाद आप आए थे? दो तीन महीने हो गए ना, अप्रैल से आए थे। तो भाई शॉपिंग सेंटर तो घूम लिया, अब आपको बाहर के नज़ारे दिखाते हैं, बाहर दिखाते हैं बेलफास्ट कैसा है। भाई ऐसी छोटी छोटी गलियां भी बेलफास्ट में, हम तो पहली बार आए, इतनी बार बेलफास्ट आ चुके बट ये पहली बार देखा यार, ब्यूटीफुल। आप जब तो लास्ट टाइम आए थे कि फास्ट स्टे कितना थे ना, है ना, वन नाइट वास्ते, हाँ इस बार ही नहीं।
इस बार इन्हें बच्चे के नाल ना बहुत औखा हो जाता यार ना। अब तो बस वन नाइट वन डे डे ट्रिप है, शाम को घर वापसी। बारिश शुरू हो गई यार ना भैया। भाई बेलफास्ट का सिटी सेंटर, टाउन सेंटर भाई, यहाँ पे आके तो प्रॉपर फीलिंग आती है कि आप इंग्लैंड में हो प्रॉपर पूरा। और वो सामने है भाई बेलफास्ट सिटी हॉल, वो भी आपको दिखाते हैं। ये पूरा शॉपिंग सिटी है यार ना, पूरी वहाँ से लेके वहाँ तक। सो दिस इज बेलफास्ट सिटी हॉल, बेलफास्ट सेंट्रल में है भाई एकदम, एंड इट्स ब्यूटीफुल। भाई बारिश हो चुकी है शुरू अनएक्सपेक्टेड तो चलते हैं कार पार्क के अंदर, क्योंकि आपको पता है बच्चों के साथ यार ज़्यादा घूम तो होता नहीं, ऊपर से बारिश आ गई तो लेट्स गो इन द कार पार्क अगेन। घूम लिया बेलफास्ट बारिश में भाई, ऐसा ही होता है बच्चों के साथ ना, वो पीछे आ रहे हैं तो चलते हैं। रोटी शोटी खाया, भूख लग रही है भाई, 5-6 बज गए तो रोटी भूख लग रही है, कुछ खाते हैं अब जाके ना यार। तो आ चुके हैं भाई कार में, वापस जा रहे हैं बैक होम टू डबलिन। रोटी छोटी खा ली भाई हमने। और कैसा रहा फिर बेलफास्ट मिकी? इट वाज ओके, इट वाज गुड। शॉपिंग ठीक था, थोड़ी बहुत की। शाम को थोड़ी बारिश शुरू हुई, वैसे तो मौसम ठीक था ना, वेदर सही था। हां नहीं सही था, वन डे थे ना, इट वाज एनफ। वन डे ट्रिप बंदा कर सकता है, अप एंड डाउन ना 90 मिनट्स की ड्राइव है। तो अगर आप वन डे ट्रिप के लिए भी आ रहे हो बेलफास्ट फ्रॉम डबलिन, तो आप इस डूबल आप कर सकते हो आराम से। तो अब यहाँ से फिर लगेंगे भाई 90 मिनट्स घर जाने में। और आई होप आपको आज का व्लॉग बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं जल्दी आपसे एक न्यू व्लॉग के साथ और एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।